नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। माननीयों के लिए खुला सरकारी खजाना। बजट सत्र से एक दिन पहले मंगलवार को हिमाचल सरकार माननीयों पर मेहरबान हो गई। अब विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों व विधायकों को वाहन खरीदने, भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ तक एडवांस मिल सकेगा। ये पैसा यानी कि कर्ज सरकार देगी और इसमें सालाना सिर्फ 4% ब्याज देना होगा। पहले 50 लाख का एडवांस लेने का प्रावधान था, अब अगर 50 लाख रुपए ब्याज सहित चुका दिए तो इतना ही पैसा और मिलेगा, यानी अधिकतम 1 करोड़ तक मिल सकेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने 2 अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की है। पहली अधिसूचना विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वाहन और भवन निर्माण अग्रिम नियमों में संशोधन से जुड़ी है। दूसरी मंत्रियों से संबंधित है। मंत्रियों के वाहन और भवन निर्माण के लिए अग्रिम नियम संशोधन में ही रूल 4 के तहत विधायकों के लिए भी यही प्रावधान है। मंत्रियों को एडवांस सरकार की ओर से दिया जाता है, जबकि विधायकों के लिए ये व्यवस्था विधानसभा सचिवालय की ओर से होती है। माननीयों का आयकर भी चुकाती है सरकार। माननीयों का आयकर प्रदेश सरकार चुकाती है। इस पर हर साल करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस व्यवस्था को बदलने की केवल बातें ही हुई है। पूर्व विधायक के लिए 30 लाख की व्यवस्था, पूर्व विधायकों के लिए 4% ब्याज पर 30 लाख रुपए देने की व्यवस्था है। पहले 15 लाख का एडवांस मिलता था, अब 15 लाख रुपए ब्याज सहित चुका दिए तो इतना ही पैसा और मिलेगा। पहले नियम नहीं थे स्पष्ट। जीएडी के अधिकारियों का तर्क है कि पहले नियम स्पष्ट नहीं थे, इसमें विधानसभा सचिवालय की ओर से कई आपत्तियां लगाई गई थी। दावा है कि अब नियमों को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। नियमों के संशोधन के प्रारूप को विधि विभाग से वेट करवाया गया है। सरकार ने इसमें 21 वर्ष बाद संशोधन किया है। आम लोगों के लिए है ये व्यवस्था। अगर आम लोग बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं तो वाहन व भवन निर्माण के लिए ब्याज दर 12% से 16% तक चुकानी होती है। समय पर ब्याज ना चुकाया तो चक्रवृद्धि ब्याज का सामना करना पड़ता है। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।